@9 काविंद चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों, जिस दिन से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की शुरुआत हुई है, हमने ठान लिया था कि हम खबरों का व्यापार नहीं करेंगे, हम सबसे तेज होने का ढोंग नहीं रचेंगे, हम आपको आगे रखने का नाटक नहीं करेंगे। हम 26 साल से आपके साथ हैं या 30 साल से आपके साथ हैं, वाली एक्सपीरियंस की एक्टिंग भी नहीं करेंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर और मेरे शो भारत एट नाइन पर सिर्फ वही दिखता है जो आप तय करते हैं, और आप सबका प्यार ही है दर्शकों कि हम भारत में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो बुजुर्ग चैनल हमको देख रहे हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि अब हम आ चुके हैं। बाकी दर्शकों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि हम सब मर जाएंगे, आखिर में सिर्फ द्विवेदी बचेगा, एंड ही वॉज राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि आज एक बार फिर एक और सितारा आज हम सबको छोड़कर आसमान में चमकने के लिए चला गया है। यह वो सितारा था जिसने टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय किया, प्राइम टाइम शोज किए, जो कि आउटसाइडर भी थे, अपने करियर के पीक पर थे, कई रियलिटी शोज जीते, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स उनके हाथों में थे, कोई हेल्थ इशू नहीं था, बढ़िया कमाई थी, घर गाड़ी घोड़ा सब कुछ था। लेकिन आज 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई, और दर्शकों पूरा देश उनकी मौत की खबर से शॉक था, क्योंकि यह पूरी क्रोनोलॉजी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर से मेल खाती है। दोनों आउटसाइडर थे, दोनों यंग टैलेंट थे, दोनों ने टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय किया था, दोनों को ही इंडस्ट्री का नहीं देश जनता का प्यार मिल रहा था, और तो और दोस्तों दोनों ही बॉलीवुड माफियाओं के सिर का दर्द बन गए, क्योंकि अब उनका क्या होगा जो इन माफियाओं के परिवार के बच्चे, उनका क्या होगा जो नेपोटिज्म की नाली से निकले हैं, उनका क्या होगा जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपनी जागीर समझते। दर्शकों, ये दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला उनके लिए बड़े परेशानी वाले दो कैरेक्टर्स बन गए थे। दोस्तों, आज 2 सितंबर 2021 और वो 14 जून 2020, इन दोनों ही तारीखों में हमने अपने दो टैलेंटेड बाहरी लोगों को खो दिया है। ये चाचा मामा रिश्तेदार नहीं थे, ये उनके सगे संबंधी नहीं थे, ये बॉलीवुड माफिया के मैनेजर्स नहीं थे, ये उनके चमचे नहीं थे, ये टैलेंटेड थे, इनके अंदर कलाकार था, कला थी, क्राफ्ट था, लोगों से अटैच करने की इनके अंदर क्षमता थी, जो पाया अपनी दम पर पाया, लेकिन बॉलीवुड माफिया ये पसंद नहीं। दोस्तों, एक और चीज जो इन दोनों तारीखों में नजर आती है, और वो है कूपर हॉस्पिटल। जी हां, ये कूपर हॉस्पिटल दोस्तों, ये वो अस्पताल है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त भी सवालों के घेरे में था, और आज भी है, क्योंकि देश की जनता पूछ रही है कि आज एक बार फिर कूपर हॉस्पिटल क्यों कंफ्यूजन में। कहीं ना कहीं चिंगारी तो होगी, तभी तो धुआं उठ रहा है। बार बार ये कूपर हॉस्पिटल बार बार क्यों आ रहा है, क्या बार बार अपने बयान बदल रहा है, ये कूपर हॉस्पिटल अपने बयान क्यों बदल रहा है। दोस्तों, पहले अस्पताल की तरफ से बयान आया था कि सिद्धार्थ को अस्पताल में लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है, ऐसा एक खबर में मैंने देखा, और बाद में कहा गया कि उन्होंने रात में कुछ दवाइयां ली और वो सुबह नहीं उठे, उनकी मौत हो चुकी थी। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, पहले ये फिर ये, बदल जाते हैं क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। झूठ की कोई मियाद नहीं होती, सच की कोई लिमिट नहीं होती। दर्शकों, कूपर ये जो अस्पताल है, ये अपनी बातें बदलता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कर भी ये अपनी बातें बदलता था। बार बार यही अस्पताल संदिग्ध क्यों है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला उनको मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया,
दोनों ही स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बताया पूरी तरह से दर्शकों विरोधाभासी है। दोनों ही स्टेटमेंट बताते हैं कि एक बार फिर कुछ झोल हुआ है, लेकिन यह पूरी लॉबी जानती है कि इनका कुछ नहीं होगा। जैसे कि आज तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में इनका कुछ नहीं हुआ, सीबीआई भी इनका आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन दोस्तों एक दिन यह पाप का घड़ा भरता जरूर है। और बीते 3 सालों में ये लोग खुलकर सामने आ चुके हैं और कई बाहरी लोगों ने इनके डर से महाराष्ट्र को छोड़ दिया है। दर्शकों ये राजनीतिक संरक्षण में ये इंडस्ट्री अब मर्डर मशीन बन चुकी है। ये इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री अब मर्डर मशीन में तब्दील हो चुकी है। और ये कूपर अस्पताल बहुत संदिग्ध है, बहुत ज्यादा संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आखिर ऐसा क्यों होता है? बार बार सोचने वाली बात है कि आउटसाइडर्स को इसी कूपर अस्पताल में लाया जाता है, फिर चाहे वो दिव्या भारती हो, परवीन बॉबी हो, जिया खान हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, या फिर आज सिद्धार्थ शुक्ला हो। इस सभी मामलों से साफ है कि मुंबई के इन माफियाओं के साथ साथ इस कूपर की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मुंबई का एक दौर था जब अंडरवर्ल्ड डॉन यहां पर पूरा कंट्रोल रखते थे, और इसी तरह की दर्शकों संदिग्ध मौतें होती थी, और अब एक बार फिर वही चीजें हो रही, तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कहीं एक बार फिर यह अंडरवर्ल्ड लौट तो नहीं आया। यह बड़ा सवाल है आज रात का, और इस सवाल के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा पैकेज आपके सामने आएगा जो आपको बताएगा कि आखिर घटना क्या है, कैसे है, किस वक्त की है और क्या कुछ है। इस पूरी पूरी की पूरी कहानी को उधेड़ कर रख देंगे और उनका पर्दाफाश करेंगे जो लोग इसके पीछे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। तारीख 2 सितंबर 2021, वक्त सुबह के 11 बजे एक खबर आई जिसने पूरे देश को एक बार फिर चौंका दिया। इस खबर ने फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वालों की आंखों में आंसू ला दिए। सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक खबरों में सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला नजर आने लगे। सिद्धार्थ शुक्ला वो सितारा जो अब आसमान से अपनी चमक बिखेरेगा। सिद्धार्थ शुक्ला की अकस्मात मौत कई सवाल खड़े करती है। सिद्धार्थ की मौत किस वजह से हुई, अभी साफ साफ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कूपर अस्पताल की माने तो सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और अगर वजह सिर्फ यही है तो डरने की जरूरत है, क्योंकि हष्ट पुष्ट दिखते एक नौजवान का दिल अगर ऐसी स्थिति में भी साथ छोड़ सकता है तो जिंदगी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इन्हीं सब कारणों के चलते स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ की मौत की ही तरह उसकी वजह पर भी लोगों को भरोसा करने में दिक्कत हो रही है। दरअसल सिद्धार्थ को चुस्त और दुरुस्त एक्टर्स में शुमार किया जाता है। देखकर लगता भी है कि एक्टर फिजिक पर कितना ध्यान देते रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ इसके लिए घंटों एक्सरसाइज के अलावा संतुलित जीवन शैली फॉलो करते होंगे। बावजूद उनके दिल ने धोखा दे दिया,
सिद्धार्थ की मौत का संकेत खतरनाक है। यानी चुस्त दुरुस्त लोग भी हार्ट अटैक के जानलेवा हमले की जड़ से बाहर नहीं है, जबकि डॉक्टर ऐसे मरीजों को सेहतमंद रहने के लिए व्यायाम की सलाह देते हैं। सिद्धार्थ के परिवार में उनकी माँ और दो बहनें हैं। इंजीनियर पिता की मौत काफी पहले ही हो चुकी है। सिद्धार्थ का जन्म 12 दिसंबर 1980 में मुंबई में हुआ था। एक्टिंग में आने से पहले सिद्धार्थ मॉडलिंग किया करते थे। उन्हें इला अरुण के म्यूजिक वीडियो रेशम का रुमाल की वजह से पहली बार खूब सुर्खियां मिली थी। इसमें उनके साथ मोनालिसा भी थी। 2008 में उन्होंने सोनी टीवी के शो बाबुल का आंगन छोटे ना से एक्टिंग डेब्यू किया था। उन्होंने कई और शो किए, मगर बालिका वधू ने उन्हें सबसे बड़ी पहचान दिलाई। बालिका वधू उनके करियर का बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ। में सिद्धार्थ शुक्ला ने वरुण धवन की हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड डेब्यू किया। वो सपोर्टिंग किरदार में थे। एक साल बाद इंडिया गॉट टैलेंट 6 को भारती सिंह के साथ होस्ट किया। कई और रियलिटी शो और म्यूजिक वीडियो ने उन्हें पहचान दी। बिग बॉस 13 जीतने के बाद वो लोकप्रियता के सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच गए थे, और सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचने के बाद वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन ये सितारा धरती पर अब भले ही ना रह गया हो, आसमान में अपनी चमक बिखेरता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। दर्शकों, ये पूरी जो कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी दास्तान है। क्योंकि बीते साल से लेकर आज तक, आज की तारीख तक, हमने कई सितारों को खोया है। कई लोग हमारे बीच से चले गए, जाना सभी को है, लेकिन कोई बहुत पहले चला जाता है जिसकी जिंदगी की सीढ़ी सफलताओं की ऊंचाइयां छू रही हो और उस पे दिल की धड़कन का फुल स्टॉप लग जाए। ऐसा ही कुछ हुआ आज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत होने पर उनके करोड़ों फैंस हैं, ट्विटर पे भरमार है रेस्ट इन पीस की। तमाम लोग उनको कह रहे हैं, उनका दुख जो है उसको साझा कर रहे हैं, दुख जो है उसको बांट रहे हैं। उनके परिवार वालों के साथ भी कई लोग मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात की जा रही है, उनके घर भी कई लोग पहुंचे हैं। ऐसे में सहनाज गिल के जो भाई हैं, सहबाज गिल, वो भी उनके घर पहुंचे, उनके घर पर जाके उनसे बात की। लेकिन आज दर्शकों, ऐसे मौकों पर आज तस्वीर ये है कि करोड़ों लोग सहनाज गिल को देखना चाहते हैं, करोड़ों लोग उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं कि वो आखिर किस हाल में। दर्शकों, सिद्धार्थ के साथ एक चीज वाकई बहुत अलग थी जो हमारे सुशांत सिंह के साथ नहीं थी। दर्शकों, हमारा सुशांत सिंह राजपूत जब हमको छोड़कर गया, तब उसके सबसे करीबी, उसके सबसे पास और उसकी जिंदगी में एक बड़ा अहम किरदार रिया चक्रवर्ती उस वक्त उनके पास नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ
माया रूप में उनके साथ थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों की वजह से उनके साथ थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गांजा कंपनी लेने के लिए उनके साथ थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ महंगे होटल्स में घूमना, दूसरी कंट्रीज में जाना, इसलिए उनके साथ थी। वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी लाइफ जीने के लिए उनके साथ थी। लेकिन यहां कम से कम ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी वक्त तक शहनाज गिल उनके साथ थी। हमारे रिपोर्टर ने यह गहरी जानकारी दी है कि शहनाज गिल आखिरी वक्त तक कांटेक्ट में थी, किसी भी तरीके का कोई अलगाव नहीं था, वो लगातार वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में यह बहुत अहम हो जाता है कि शहनाज गिल को भी एक बार देखा जाए, उनके हाल क्या हैं, इसको भी देखें, प्रतिक्रिया उनकी भी नोट की जाए। इसके साथ ही जो सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमको मिली है, जो हमारे रिपोर्टर के द्वारा मुंबई से हमको दी गई है, वो दर्शकों ये है कि शहनाज गिल को जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में पता लगा, वो शूटिंग कर रही थी मुंबई में एक जगह पर, और वो शूटिंग छोड़कर तुरंत वहां से चली। बाकी लोगों का कहना था कि उनके आंखों में आंसू थे और वो वहां से जैसे ही उनको जानकारी मिली, उनके हाव भाव भाव भंगिमा बदल गए, एंड शी वॉज सैड, और वो वहां से तुरंत शूटिंग छोड़कर चली गई। तो एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर भारत एट नाइन के जरिए आपको दे रहे हैं। जो लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे थे कि शहनाज गिल कहां पर हैं, तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि शहनाज गिल आज सुबह के वक्त शूटिंग कर रही थी और उनको जैसे ही इस बारे में पता लगा, जिसके बारे में पूरे देश को जब पता लगा तो सब शोक में हैं, शहनाज गिल शूटिंग छोड़कर चली गई। और इसके बाद उनके भाई शहबाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंचे, उन्होंने वहां पर उनके फैमिली वालों से बात की और उनके साथ शोक संवेदनाएं बांटी। दर्शकों, ये कहानी ऊपरी ऊपरी इतनी ही है। ये कहानी अगर कोई एंकर पढ़ेगा तो इतनी ही है। ये कहानी अगर कोई न्यूज प्रेजेंटर पढ़ेगा तो इतनी ही है। ये कहानी अगर कोई न्यूज प्रोड्यूसर लिखेगा तो इतनी ही है। लेकिन भारत एट नाइन का काम है इस कहानी के अंदर जाना, इसकी जड़ों पे जाना, इसको उखाड़ कर बाहर रख देना। और आज एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ यहां भी फिशी है, क्योंकि कई चीजें हैं जो समानता दिखाती हैं। 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक, वो आदमी जो इतना हष्ट पुष्ट, वो आदमी जो जिम जाता है उसको हार्ट अटैक, वो आदमी जिसके पास तमाम संसाधन है, उनका फैमिली डॉक्टर है, उसको हार्ट अटैक। चीजें कंफ्यूज करती। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऊपरी ऊपरी बड़ा आसान था, बड़ा सामान्य था, एक सुसाइड। बाद में कलाई खुलती गई खुलती गई खुलती गई तो बॉलीवुड का ड्रग नेक्सस निकलकर सामने आया। बाद में कलाई खुलती गई खुलती गई खुलती गई तो कई लोग निकलकर सामने आए जो कि कास्टिंग काउच में इन्वॉल्व थे। कई लोग निकलकर सामने आए जिन्होंने बॉलीवुड की गंदी सोच को सामने रख दिया और गदर मचा दी। कई लोग निकलकर सामने आए जिन्होंने बताया कि बॉलीवुड क्या है, एंड एक्सपोज्ड बॉलीवुड, बॉलीवुड का पूरा जो बोर्डन था वो निकलकर सामने आ गया। और दर्शकों, इस सब की खत्म नहीं हुई है कोई भी बात, लेकिन कैसे पुलिस अधिकारी करोड़ों रुपए की फिरौती लिया करता था, वो इसी
सुशांत सिंह राजपूत की घटना के बाद खुलकर सामने आया और आज सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत हुई है इसको बिल्कुल भी अभी से मत मानिए कि यह हार्ट अटैक है। इसमें भी जांच होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं सिद्धार्थ सिंह शुक्ला जो सिद्धार्थ शुक्ला जो है उनके जो करोड़ों फैंस हैं वो चाहते हैं कि इसकी भी जांच हो। वो चाहते हैं कि कूपर हॉस्पिटल ने बार बार बयान क्यों बदले, इसकी जांच हो। वो चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला का 7 दिन का 10 दिन का रिकॉर्ड निकाला जाए और इसकी जांच हो। क्या सच में उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी या नहीं, या इसमें भी कोई साजिश इन्वॉल्व है? क्या साजिश है, क्या कुछ है, उसके लिए भी एक रिपोर्ट है, दस्तावेज हैं और बहुत सारी कहानियों का एक छोटा सा रूपांतरण है। आप इस पैकेज के जरिए उसको देख सकते हैं। एक लंबे वक्त से बॉलीवुड का रहस्यमयी गुब्बार फट फट कर बाहर आ रहा है। और इस गुब्बार में बसे काले धुएं का सच भी अब जनता के सामने है। बीते साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही जनता के बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री के फिल्म मेकिंग से इतर जितने भी धंधे थे सब खुलकर सामने आ गए। इसमें नशा था, वहशीपन था, कास्टिंग काउच था, नेपोटिज्म था, अपराध था और सब कुछ था। लेकिन कला और क्राफ्ट सबसे कम थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह से माफिया वारिस सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, सुशांत की मौत से पहले आम लोग इससे नावाकिफ थे। लेकिन महाराष्ट्र के इस गौरवशाली धरती पर ना जाने कब ये वायरस इतना ताकतवर हो गया कि बाहरी लोगों का यहाँ जीना मुहाल हो गया। ना जाने ये वायरस कब इतना ताकतवर हो गया कि जिसने आगे बढ़ना चाहा वो इंसानों के बीच से ही आगे बढ़ गया। लेकिन सवाल ये भी है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं। मुमकिन है कि ये सब कुछ बॉलीवुड और मुंबई पर यहाँ के लोगों का एकाधिकारी स्थापित कराने की साजिश हो और इसी साजिश का शिकार सुशांत सिंह राजपूत हुए हों। और आज इसी साजिश के दबाव में सिद्धार्थ को भी मजबूर होना पड़ा हो, क्योंकि डॉक्टरी समझ से बात करें तो सिद्धार्थ के दिल ने खून का संचालन बंद कर दिया था और खून का संचालन बंद करते ही टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंची और प्रेशर बढ़ते ही उनकी मौत हो गई। ये मेडिसिन वालों की बातें हैं जो शायद उस प्रेशर को ना आंक पाते हो जो दिमाग पर पड़ता है। अभी हर सिरे पर सरकती बातें नहीं की जा सकती। लेकिन इस बात पर चर्चा की जरूरत है, क्यों हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बाहरी और क्षमतावान लोगों के लिए जगह नहीं है। चर्चा की जरूरत है कि क्यों माया नगरी में सिर्फ मायावान लोगों का राज है। चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्यों उद्धव के राज्य में सिलसिलेवार होती कलाकारों की मौत पर कोई ठोस जांच नहीं होती। चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ बात नहीं, वरना अगली किसी रात हमारे बीच से कोई और सितारा भी यूं ही चला जाएगा।
दर्शकों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 40 साल कोई उम्र जाने की नहीं होती। ये तो शुरुआत थी, ये तो सफलताओं की शुरुआत हुई थी। सीढ़ी अभी बहुत लंबी थी, बहुत दूर जाना था सिद्धार्थ शुक्ला को। कॉन्स्पिरेसी की पूरी तरीके से मैं इसको खुलकर नहीं कहता, इसके पीछे और भी कोई चीज हो सकती है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो सवाल मन में आते हैं वो ये है कि कूपर हॉस्पिटल की जो संदिग्ध स्थिति है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ क्या सिद्धार्थ शुक्ला, अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है तो उन दवाइयों की जांच होनी चाहिए जो उन्होंने एक रात पहले खाई, उनका क्या साइड इफेक्ट था, इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी चीज, एक बड़ा सवाल दर्शकों सबके लिए है, वो ये है कि हस्ट पुष्ट जिम जाता हुआ 40 साल का हर तरीके से संपन्न व्यक्ति अगर हार्ट अटैक की ओर जा सकता है, अगर उसका दिल उसकी सफलता की सीढ़ी के बीच में आकर फुल स्टॉप लगा सकता है, तो एक बात याद रखिए कि जीवन जीने का नाम है। जीवन बिल्कुल भी किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का डिप्रेशन, किसी भी चीज को लेने का नाम नहीं है। जीवन जीने का नाम है। आइए खुलकर जीते हैं, प्यार लुटाते हैं और साथ ही साथ मन से ईर्ष्या, मन से किसी के लिए भी कोई नेगेटिव भाव, सबको छोड़कर जितना जीवन है उसको प्रेम पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, गैर नफरत, गैर राजनीतिक तौर तरीकों, प्रेम, सद्भाव, भावना, प्यार और इसके साथ ही साथ दिलचस्पी के साथ जीना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी भारत एट नाइन में अगले मुद्दे के साथ। धन्यवाद। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।